Welcome students. Today we are going to solve exercise 1.2 of Thomas Calculus. Exercise 1.2 हमने last lecture में भी discuss की थी, जिसमें हमने equations of lines को discuss किया था. लेकिन क्योंकि इस exercise में multiple topics हैं, तो जो graph बनाने का method है, वो हमने कहा था कि हम दूसरे lecture में discuss करेंगे. तो आज के lecture में हम graph बनाना, especially circles का और parabolas का graph किस तरह से draw किया जाता है, इस चीज को study करेंगे. तो हमारा जो पहला topic है, that is कि हम आज circles को discuss करेंगे. So सबसे पहले हम circle को discuss करते हैं. Let's say आपके पास कोई coordinate axes हैं, x axis और y axis, और किसी एक पॉइंट P पे हमारे पास एक सर्कल है. लेट्स से ये सेंटर ऑफ द सर्कल है आपके पास, और सेंटर ऑफ द सर्कल जो है उसका जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है डेट इज h, और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है डेट इज k. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे h और k, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल. तो ऐसे सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास होगी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. और h और k हमें सेंटर की लोकेशन बताते हैं, c जो है वो सेंटर को डिनोट करता है, और r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है हमारे पास. अब अगर आप एक और केस देखें जिसमें हमारे पास कोई सर्कल हो सकता है ओरिजिन पे, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन पे लोकेटेड हो, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे हो, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास जीरो जीरो होते हैं, तो ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एट ओरिजिन, तो इस सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, यानी कि आपके पास h और k जो कि सेंटर हैं, उनकी वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो और जीरो. सेंटर जीरो जीरो पे लोकेटेड है इस सर्कल का. तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर वन में h और k की वैल्यू जीरो जीरो पुट करें, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो जिसका सेंटर ओरिजिन पे लोकेटेड है. लेकिन मोस्ट जनरल फॉर्म जो है वो आपके पास ये वाली फॉर्म है, जिसमें हमने ऐसे सर्कल की इक्वेशन डिस्कस की है जिसका सेंटर कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, विच इज पैराबोला. और पैराबोला के लिए पैराबोलास के लिए जो जनरल इक्वेशन है डेट इज y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे a, b और c की क्या वैल्यूज हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं. a, b और c जो हैं, ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं, इन नंबर्स की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, लाइक 1, 7, 9, कोई भी वैल्यू हो सकती है. जनरली जो पैराबोला है आपके पास, वो एक ऐसी शेप को आप पैराबोला कहते हैं. और पैराबोलास जो हैं वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. एक पैराबोला ये है जो वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, दूसरा पैराबोला आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो सकता है. इसी तरह मोर शेप्स जो हैं वो भी पॉसिबल हैं, यानी कि ये भी एक पैराबोला आप बना सकते हैं जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा. सिमिलरली आप एक ऐसा पैराबोला बना सकते हैं जो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है. जो ऑरेंज कलर में हमने पैराबोला ड्रॉ किया है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है. ग्रीन कलर में जो है आपके पास वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, और जो पैरेट कलर में आपके पास वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है. तो फोर टाइप्स के पैराबोलास जो है यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि पैराबोला अगर आपके पास कोई हो, तो उसमें जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं. तो ये पैराबोला अगर आप देखें, तो वाई एक्सिस जो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की लाइन है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इक्वल है, यानी कि दोनों साइड पे सिमेट्रिक है. इसको ये कहते हैं कि दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है.
और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि हमारे इस पैराबोला के केस में पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली लाइन है आपके पास, सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ए। बी और ए जो है यहाँ से इक्वेशन से आप कॉन्स्टेंट्स देख सकते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो हमें बताती हैं। और इसी तरह से जो आपके पास ये पॉइंट है जहां पे पैराबोला टच करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, इस पॉइंट को वर्टिक्स कहते हैं, वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला, इसको वर्टिक्स वी से डिनोट करते हैं आप, ठीक है। और अब हम कंसीडर करते हैं एक स्पेशल केस, लेट्स से वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का केस हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। तो इसको ड्रॉ करने का जो मेथड है इस पैराबोला को, वो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एक टेबल बनाएं जिसमें आप एक्स की वैल्यूज चूज करेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप वाई की वैल्यूज जो आती जाएंगी वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने का आपके पास एक सिंपल मेथड है जिससे आप किसी भी किस्म का कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट से हम y की वैल्यूज चूज करते हैं, सॉरी x की वैल्यूज चूज करते हैं माइनस थ्री से, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड थ्री। अब अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करें तो आपका आंसर नाइन आएगा। सो यहाँ पे नाइन y इक्वल्स टू नाइन आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू माइनस टू हो तो y की वैल्यू फोर आ जाएगी। सिमिलरली इस सारे टेबल को आप फिल कर सकते हैं और ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने एक्स और वाई एक्सिस अपने मेंशन करने हैं। ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज आ रही है मैक्सिमम माइनस थ्री से प्लस थ्री तक, तो आप जो लेबलिंग कर लेंगे वो माइनस थ्री से प्लस थ्री तक लेबलिंग कर लेंगे, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, वन, टू और थ्री। सिमिलरली वाई एक्सिस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है नाइन, सो आप यूं कर सकते हैं कि इसको थ्री थ्री की लेबलिंग कर लें, थ्री, सिक्स एंड नाइन। अब आपके पास जो पहला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है एक्स की वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग, यानी कि एक्स वाई पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री हो तो वाई की वैल्यू नाइन आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो एक्स की वैल्यू माइनस टू हो तो वाई की वैल्यू फोर आ रही है, और इसी तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू माइनस थ्री और y की वैल्यू नाइन। x की वैल्यू माइनस थ्री और y की वैल्यू नाइन, तो आपके पास ये पॉइंट बनता है। हमारे पास x की वैल्यू माइनस थ्री और y इक्वल टू नाइन, ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू माइनस टू और y की वैल्यू फोर, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बन जाएगा। माइनस वन पे वैल्यू वन आएगी, और उसके बाद जीरो जीरो पॉइंट है आपके पास, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो। तो इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। अब अगर आप इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपके पास ये पैराबोला बन जाएगा। फ्री हैंड से आपने मैच करना है, स्केल की मदद से आपने मैच नहीं करना। अदरवाइज अगर आप स्केल की मदद से मैच करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी जो कि करेक्ट शेप नहीं है। तो आपने फ्री हैंड से मैच करना है, आपके पास ये पैराबोला बन जाएगा। और अगर आप इस पैराबोला में देखें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, वाई एक्सिस है, यानी कि y के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पैराबोला की शेप एक जैसी है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ये पैराबोला जहां पे कट कर रहा है उसको वर्टिक्स पॉइंट v कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन थी इस पैराबोला की। अब अगर आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, यानी कि जनरल इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमारी जो इक्वेशन है वो है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस को, जनरल इक्वेशन को और गिवन इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू भी जीरो है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आपके पास एक्सिस आ जाएगा वो आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए, ये इक्वेशन थी। सो यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास जीरो है, सो माइनस जीरो अवर टू ए की वैल्यू वन है, तो एक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हो, विच इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये आपके पास एक्स इक्वल्स टू जीरो वाली लाइन है, तो ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर आप वर्टिक्स पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सिस जो है आपके पास उस पर एक्स की वैल्यू जीरो है,
तो x की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी, तो आपके पास y इक्वल्स टू भी जीरो आ जाएगा। तो यहां से आप वर्टिक्स लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो, तो हमारा वर्टिक्स जो है वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, जीरो जीरो पे लोकेटेड है। इस चीज को हम मजीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2 के। तो एक्सरसाइज 1.2 के, एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50 जो हम सॉल्व करने लगे हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 में है कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू जीरो, आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करें, उसके बाद आप सेंटर सी फाइंड करें सर्कल का, आप इंटरसेप्ट्स फाइंड करें। इंटरसेप्ट्स आप कहते हैं जहां पे कोई भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रहा हो, उसके बाद हमने जो ग्राफ है वो भी ड्रॉ करना है। तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती थी एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इक्वल्स टू जीरो, सॉरी इक्वल्स टू आर स्केयर। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को मेंशन करना है इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक्स और जो x वाली टर्म्स है उनको इकट्ठे लिख लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ अगर हमारे पास प्लस 4 हो तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में इस वैल्यू को लिख सकते हैं, और जब आप प्लस 4 खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको माइनस 4 भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपकी इक्वेशन जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं खुद से तो आपको फिर डिवाइड भी खुद से करना पड़ता है, और इसी तरह अगर आप कोई चीज या कोई नंबर खुद ऐड करते हैं तो आपको वो नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि इक्वेशन जो है वो सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो प्लस 4 और माइनस 4 हमने खुद से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब अगर आपको याद हो तो x माइनस 2 होल स्केयर को अगर आप ओपन करें a माइनस b होल स्केयर के फार्मूला से तो हमारे पास आंसर आता है एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4। a माइनस b होल स्केयर का जो फार्मूला होता है आपके पास वो होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। तो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्केयर माइनस 4 प्लस y स्केयर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू जीरो। ये काम हम y के साथ नहीं कर सकते क्योंकि y के साथ हमारे पास y स्केयर के साथ हमारे पास कोई y वाली टर्म नहीं है। तो x माइनस 2 होल स्केयर प्लस y माइनस 0 होल स्केयर, y के साथ 0 है, माइनस 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस 4 और माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 का अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस 0 होल स्केयर माइनस 25 ओवर 4। एलसीएम लेने पे आपके पास 25 ओवर 4 आएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y माइनस 0 होल स्केयर equals to 25 divided by 4। अगेन हम थोड़ा सा आगे इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास राइट साइड पे आर स्केयर आता है, यानी कि किसी नंबर का स्केयर आता है आपके पास। तो राइट साइड जो हमारे पास 25 ओवर 4 है इसको स्केयर की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 को आप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर। अब अगर आप देखें तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन में मूव करते हुए इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लिया। जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में आपने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी जो हमने खुद से बनाई है गिवन इक्वेशन से, और जो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं
comparing equation 1 and 2. Equation 1 or 2 को अगर आप compare करें तो आपके पास minus 2 equals to minus HF, इससे आपके पास answer आ जाएगा H equals to 2. Similarly, आपके पास minus 0 equals to minus K है, तो आपके पास answer आ जाएगा K equals to 0. और इसी तरह हमारे पास R square equals to है 5 divided by 2 whole square. दोनों साइड पे आप अंडर रूट लें तो आपके पास R आ जाएगा 5 divided by 2, which is equals to 2.25. अब यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमने ये कंपैरिजन कैसे किया है. ये कंपैरिजन हमने ऐसे किया है कि इस minus 2 को इस minus H के साथ कंपेयर किया है. X और X तो आपस में इक्वल है. फिर minus 0 को minus K के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. और फिर हम R square को 5 divided by 2 minus 5 divided by 2 होल स्केयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. और ये कंपैरिजन तब ही पॉसिबल होता है आपके पास इक्वेशंस के केस में जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हूं. ठीक है, तो तब ही आप कंपेयर कर सकते हैं. इसी वजह से हमने ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इस क्वेश्चन में, इसको पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें. नाउ अब हमारे पास सेंटर सी एच के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू, सेंटर हमारे पास एच की वैल्यू 2 आ रही थी और के की वैल्यू 0 आ रही थी. तो सेंटर हमने कैलकुलेट कर लिया, रेडियस की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 आ रही थी, जिसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर 2.5 आ जाता है. तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई. अब हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है. जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो थी एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्केयर इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2 होल स्केयर. ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी. तो अगर आपको याद हो तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में जो 1.2 का पहला लेक्चर था उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो आप पुट करते हैं वाई इक्वल्स टू 0. तो इस इक्वेशन में अगर आप y equals to 0 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा x minus 2 whole square equals to 5 divided by 2 whole square. दोनों साइड्स पे अगर आप अंडर रूट ले लें तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास x minus 2 का आंसर आएगा. जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपको साथ प्लस माइनस भी लिखना पड़ता है, 5 divided by 2. तो ये बेसिकली दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, x minus 2 equals to plus 5 divided by 2 और दूसरी इक्वेशन है x minus 2 equals to minus 5 divided by 2. तो यहां से अगर आप LCM लें यानी कि 5 divided by 2 plus 2 इस इक्वेशन को लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं minus 5 divided by 2 plus 2. अब यहां से जब आप LCM कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 5 divided by 2 plus 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5 plus 4, 9 divided by 2, so this is equals to 4.5, x equals to 4.5. Similarly, अगर आप इस equation को solve करेंगे, तो आपके पास जो answer आएगा, वो आएगा minus 0.5. तो ये हमारे पास x के दो answer आ गए, जब y की ये value थी, तो x के ये दो answer आए. तो यहां से आप point P1 लिख सकते हैं, x की value 4.5 और y की value 0. x की value 4.5 और y की value 0. Similarly, P2 point आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू minus 0.5 और y की वैल्यू 0. तो y की वैल्यू 0, हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा P1 और P2 point. Similarly, center of the circle था हमारे पास 2 और 0. तो ये तीन पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं. अब हमने यहाँ पे similarly जिस तरह हमने x इंटरसेप्ट के लिए जो कैलकुलेशंस की हैं वो हम y इंटरसेप्ट के लिए भी वैसी ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं. फॉर y इंटरसेप्ट्स के लिए आप पुट करेंगे x equals to 0. x equals to 0 यहां पे आप पुट करें जो आपके पास ये स्टेरिक इक्वेशन है इसमें, तो हमारे पास 0 minus 2 whole square plus y square equals to 5 divided by 2 whole square आ जाएगा. So आपके पास जो आंसर आएगा इस केस में वो आएगा 4 plus y square equals to 25 divided by 4. y square equals to 25 divided by 4 minus 4, which is 25 minus 16 divided by 4. LCM अगर आप यहां पे consider करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 9 divided by 4. So y square equals to
थ्री डिवाइड बाय टू होल स्केयर बन जाएगा हमारे पास। 9 डिवाइड बाय 4 को 3 डिवाइड बाय 2 होल स्केयर लिख सकते हैं, और दोनों साइड पे अगर आप स्केयर रूट लें, यहाँ पे स्केयर रूट जब आप लेंगे तो साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 1.5 के इक्वल होता है, सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.5। तो यहाँ से हमारे पास मजीद दो पॉइंट्स आ जाएंगे, Q1 पॉइंट आपके पास वो पॉइंट है जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5 है। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5। सिमिलरली Q2 पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.5, क्योंकि y की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, तो ये दो वैल्यूज जो हैं बेसिकली दो पॉइंट्स को करस्पोंड करती हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5 पॉइंट्स आ चुके हैं, और वो 5 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, Q1 और Q2 और P1 और P2, ये पॉइंट्स हमें एक सर्कल ड्रा करने में हेल्प करेगा, और ये सेंटर जो है ये हमें सर्कल का सेंटर बताएगा। इसी तरह हम रेडियस फाइंड कर चुके हैं, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2.5 आई थी। तो अब सारा रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास है, हम इजीली इस सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। तो लेट से अब हम इस सर्कल को ड्रा करते हैं। So we have, let's say these are the coordinate axes, x axis, y axis, x prime axis and y prime axis. और यहाँ पे मैं आपके सामने दोबारा से P1 और P2 points लिख देता हूँ, Q1 और Q2 points लिख देता हूँ, उसके बाद center हम mention कर देते हैं और radius हम mention कर देते हैं। तो center हमारे पास 20 point पे था। इसी तरह P1 पॉइंट आपने जो कैलकुलेट, हमने यहाँ पे P1 और P2 पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, वो थे 4.5 और 0 और -0.5 और 0। और इसी तरह से हमारे पास जो Q1 और Q2 हैं वो हैं 0 और 1.5 और 0 और -1.5। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे। अब देखें मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 4.5 तक है, तो यानी कि हम 5 तक लेबलिंग कर लेते हैं, 3, 4, 5। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 तक हमने लेबलिंग कर ली, एक साइड पे मैं लिख देता हूँ, इसी तरह बाकी साइड सारी जो है उनमें आपने लेबलिंग कर लेनी है। नेक्स्ट है हम सेंटर ड्रा करते हैं। सेंटर आपके पास 20 पे है, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो सेंटर जो हमारे पास इस केस में बनेगा वो आपके पास क्लियरली बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है आपके पास, 20 पे, यानी कि ये पॉइंट जो है 20 पॉइंट, ये सेंटर है आपके पास, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट हम P1 पॉइंट ड्रा करते हैं, यानी कि x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू 0, ये हमारा P1 पॉइंट बन गया। उसके बाद P2 पॉइंट है, x की वैल्यू -0.5 और y की वैल्यू 0। तो -0.5 यहाँ पे आता है क्योंकि ये -1 पॉइंट है, तो ये आपके पास -0.5 बन जाएगा और y की वैल्यू 0। सो दिस इज पॉइंट P2। Q1 पॉइंट आपके पास बनता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5। तो ये आपके पास 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आपके पास 1.5 वैल्यू बन जाती है, सो दिस इज पॉइंट Q1। और इसी तरह Q2 पॉइंट बनता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.5, तो ये पॉइंट आपके पास बन जाता है Q2 पॉइंट। अब अगर आप इन पॉइंट्स को मैच करें तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। तो फ्री हैंड से आपने इन पॉइंट्स को मैच करना है, फ्री हैंड से मैच करेंगे आप इन पॉइंट्स को, तो आपके पास इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर सी जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। हमने इन 4 पॉइंट्स को मैच किया और हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अगर आप मजीद एक्यूरेट अपना ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं था। तो अगर आप मजीद पॉइंट्स अपने ग्राफ में लाना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि सेंटर को अगर आप देखें तो सेंटर हमारा था 2 और 0 पे, यानी कि x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 0 थी। तो x की वैल्यू जब 2 हो तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज मजीद यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पुट करें x इक्वल्स टू 2, जो सेंटर का पॉइंट है 2,
अपनी इक्वेशन में पुट करें, हमारी इक्वेशन थी x माइनस टू होल स्केयर प्लस y माइनस जीरो होल स्केयर इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2 होल स्केयर। तो x इक्वल्स टू 2 अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y स्केयर इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2 होल स्केयर, विच मींस y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2.5। ठीक है, तो हमारे पास यहां से r1 एक पॉइंट आ जाएगा जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 2.5 है, और r2 पॉइंट आ जाएगा जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस 2.5 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2.5 पे अगर आप मजीद एक्यूरेट देखते तो ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बनता, तो r1 पॉइंट और इसी तरह ये r2 पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, तो हमारे पास मजीद दो पॉइंट्स आ जाते और उनकी वजह से आपके पास मजीद अच्छा ग्राफ बन सकता था। ठीक है, तो फोर पॉइंट्स तो हमारे लिए कंपल्सरी है, फोर पॉइंट्स तो एटलीस्ट हमें चाहिए होते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। मजीद अगर आप पॉइंट्स लेना चाहें तो आप जो सेंटर की वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू सेंटर की वो आप पुट करके तो मजीद टू पॉइंट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें हमने जितनी भी ट्रिक्स थी एक सर्कल का ग्राफ ड्रा करने की वो हमने सीखी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके पास के ग्राफ ड्रा करना है आपने पैराबोला का, और ये पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने चूज किया है। आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे वर्टिक्स फाइंड करना है पैराबोला का, हमने उसके एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, और फिर हमने प्लॉट जो है वो बनाना है। तो अगर आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के साथ कंपेयर करें विच इज प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास यहाँ पे देखें वन है, जब कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वन है। सो ए हमारे पास माइनस वन है, बी हमारे पास माइनस सिक्स है, और सी हमारे पास माइनस फाइव के इक्वल है। तो इंटरसेप्ट हमारे पास जो सी इंटरसेप्ट है वो तो हमारे पास आ जाएगा, सी इंटरसेप्ट आपके पास सी इक्वल टू माइनस फाइव आ जाता है। सिमिलरली अगर आप एक्सिस की बात करें तो एक्सिस की जो आपके पास इक्वेशन थी वो थी एक्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए, तो माइनस और बी की वैल्यू आपके पास माइनस सिक्स है डिवाइडेड बाई टू, और ए की वैल्यू आपके पास माइनस वन है, सो सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू आपका आंसर आ जाएगा माइनस थ्री। तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है, यानी कि वो एक्सिस या वो लाइन जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे पैराबोला आपका सिमेट्रिक होगा। तो जब भी आपके पास कोई पैराबोला बनता है, लेट से हमारे पास एक ये पैराबोला बने, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो ये उसका एक्सिस होगा पैराबोला का। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड पे पैराबोला सिमेट्रिक है, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब आपने एक्सिस फाइंड कर लिया है तो एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आप ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सिस बेसिकली एक्सिस पे ही वर्टिक्स पॉइंट लोकेटेड होते हैं, तो एक्सिस पे अगर आपको x की वैल्यू पता चल चुकी है, y की वैल्यू आप इजीली पता कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके, तो अगर आप इसको पुट करें इन इक्वेशन, x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे जब आप जो एक्सिस की वैल्यू आती है, तो आपके पास आंसर आएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज माइनस थ्री होल स्क्वायर, फिर माइनस सिक्स और x की वैल्यू माइनस थ्री है माइनस फाइव, तो आंसर आएगा माइनस नाइन प्लस एटीन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू फोर। तो आपके पास y की वैल्यू फोर आ जाएगी, विच मीन्स के हम यहाँ पे वर्टिक्स पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हैं। वर्टिक्स पॉइंट पे आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो एक्स की वैल्यू थी वो जब हमने इक्वेशन में पुट की तो वाई की वैल्यू आ गई। सो वी हैव वर्टिक्स पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड वाई इक्वल्स टू फोर। जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव, तो ये हमारी इक्वेशन है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब हमने इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं ताकि हम पैराबोला को इजीली ड्रॉ कर सकें। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए आप क्या करते होते हैं, पुट करते होते हैं वाई इक्वल्स टू जीरो,
तो y इक्वल टू जीरो अब आप इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। और यहां से इस इक्वेशन से जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी आपको, x इक्वल्स टू माइनस फाइव और x इक्वल्स टू माइनस वन आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से जो पॉइंट्स आ जाएंगे, ये हम डाटा जो है ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वर्टिक्स पॉइंट्स हम ये हम यहाँ पे इस लाइन में अपना डाटा लिख रहे हैं वर्टिक्स पॉइंट और ये, और यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट पी वन आया है वो आया है x की वैल्यू माइनस फाइव वाई की वैल्यू जीरो, माइनस फाइव और जीरो। और पी टू पॉइंट बनेगा x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू जीरो। सिमिलर कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू जीरो। x इक्वल्स टू जीरो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y इक्वल्स टू माइनस फाइव। तो हमारे पास जो पॉइंट यहाँ से जनरेट होगा वो होगा आर पॉइंट, विच इज आप पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस फाइव। तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस फाइव पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास इतना डाटा हम फाइंड कर चुके हैं कि हम अपना ये पैराबोला को ईजिली ड्रॉ कर सकें। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हैं माइनस फाइव तक आपके पास लेंथ जा रही हैं, और इसी तरह ये आप अपने यहाँ पे स्केलिंग कर लेंगे फाइव तक की आप स्केलिंग कर लें हर एक्सिस पे अपने, और इसी तरह यहाँ पे हम थ्री फोर और फाइव तक स्केलिंग कर लेंगे। इस तरह आपने एक्सिस पे एरोज भी ड्रॉ करने होते हैं। अब हमारे पास जो एक्सिस ऑफ पैराबोला था वो था एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री को कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री का ये मतलब है कि एक ऐसी लाइन जिसपे एक्स की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या रहेगी? माइनस थ्री। तो ये x इक्वल्स टू माइनस थ्री है, तो बेसिकली x इक्वल्स टू माइनस थ्री एक ऐसी लाइन है जिसपे x की वैल्यू हमेशा माइनस थ्री रहेगी। तो ये रेड डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इस पे x की वैल्यू हमेशा माइनस थ्री रहेगी आपके पास, y की वैल्यू बेशक चेंज होती रहे। उसके बाद वर्टिक्स पॉइंट, वर्टिक्स पॉइंट था आपके पास माइनस थ्री और फोर पे, x की वैल्यू माइनस थ्री और y की वैल्यू फोर, तो y की वैल्यू फोर यहाँ पे बनती है, तो ये आपके पास वर्टिक्स पॉइंट v आ गया। x की वैल्यू माइनस थ्री है और y की वैल्यू फोर है। नेक्स्ट आप पी वन पॉइंट ड्रॉ करें, x की वैल्यू माइनस फाइव और y की वैल्यू जीरो, तो ये पॉइंट पी वन आपके पास यहाँ पे बनेगा, x की वैल्यू माइनस फाइव यहाँ पे बनती है और y की वैल्यू जीरो बनती है। उसके बाद पी टू पॉइंट है, x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू जीरो, तो ये आपके पास पी टू पॉइंट बनता है, x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू जीरो। और फिर आर पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू माइनस फाइव, तो ये y की वैल्यू माइनस फाइव आपके पास यहाँ पे बनती है। सो दिस इज आर पॉइंट। इन पॉइंट्स को अगर आप मैच करें तो हमारे पास पैराबोला बनना चाहिए। सो इन पॉइंट्स को हम मैच करते हैं तो ये एक ऐसा पैराबोला है जो यूं पास कर रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि ये पैराबोला हमारे पास बन रहा है जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिक्स पॉइंट है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना हो आपने या पैराबोला ड्रॉ करना हो आपने, सिंपली इंटरसेप्ट x और y इंटरसेप्ट से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे उन पॉइंट्स की मदद से, और फिर सेंटर सर्कल के केस में और वर्टिक्स पॉइंट पैराबोला के केस में उसकी मदद से आप ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ थॉमस कैलकुलस सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।